हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको व्हाट्सअप का न्यू अपडेट यानी कि न्यू पॉलिसी जो आई है उसको आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो में पूरा बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको व्हाट्सअप की न्यू पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे घाटा है, नुकसान है, पूरी चीज़ डिटेल में क्लियर कर दूंगा, क्यों बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बी ए टेक माइंड। वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि व्हाट्सअप ने अपनी न्यू पॉलिसी लॉन्च किया है, कह सकते हो कि अपडेट किया है उसने। उस पॉलिसी में ये है कि जो भी आपका डाटा है, आपका मोबाइल का कॉन्टेक्स्ट है, व्हाट्सअप चैट है या फिर वीडियोज हैं, फोटोज हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, आपका डाटा आपको फेसबुक को ट्रांसफ़र करेगा, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी का मतलब आप समझ रहे हो कि जो फेसबुक है ना, उसका ब्रांच है ये व्हाट्सअप। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अपनी सेटिंग में जाइए, व्हाट्सअप की सेटिंग में जाइए, वहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो फेसबुक आपको मिलेगा, मतलब कि इसका ब्रांच है, फेसबुक का ब्रांच है हमारा ये व्हाट्सअप। अब क्या है फ्रेंड्स, व्हाट्सअप क्या है, जो भी आपका डाटा कलेक्ट करता है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और फेसबुक के बारे में आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोगों की फेसबुक आईडी हैक हो जाती है। तो फेसबुक कितना सिक्योर है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप आपका डाटा फेसबुक को शेयर करता है तो समझ सकते हैं कि आपका डाटा कहाँ तक सर्कुलेट होगा। गूगल पे भी मिल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकता है। डाटा से रिलेटेड मतलब कि आपके फोटोज, वीडियोज एंड चैट से ही मतलब नहीं है। अब इसका कनेक्शन कहाँ है समझिए आप। व्हाट्सअप का एक पेमेंट ऑप्शन भी आया है, पेमेंट एप्लीकेशन भी आया है कि अब आप जैसे गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, कहीं ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अब आप व्हाट्सअप के जरिए भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब सुनिए, आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप कहाँ ट्रांजेक्शन किए हैं, कितने रुपये किए हैं, आपका अकाउंट नंबर क्या है, सारी डिटेल अब व्हाट्सअप के पास होंगी और ये सारी डिटेल जाएंगी आपकी फेसबुक पर। और फेसबुक कहाँ कहाँ शेयर करेगा कुछ पता नहीं है। सबके स्टेटस में आपका आज के डेट में पहुँच चुका है कि व्हाट्सअप क्लैरिफाई कर रहा है कि नहीं, आपका फोटोज़ कहीं नहीं जाएगा, वीडियोज़ कहीं नहीं जाएंगी, आपकी जो कॉन्टैक्ट्स कहीं नहीं जाएंगी, सारे सिक्योर रहेंगी। लेकिन जो उसकी पॉलिसी है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो भी आपके डाटा लेगा ये फेसबुक के साथ शेयर करेगा, तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। और ऊपर से एक और धमाल ये हो गया है कि इलॉन मस्क ने भी ट्वीट कर दिया, इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया कि यूज सिग्नल, छोटा सा वर्ड है, छोटा सा सेंटेंस है, यूज सिग्नल मतलब कि आप सिग्नल एप्लीकेशन यूज कीजिए। आप किसकी जगह पर, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं क्या है इस वर्ड का मतलब। जब कोई बड़ा आदमी कोई बात बोलता है ना तो उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। जैसे बाबा ट्रंप ने बोला था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और अगले दिन ही भारत एयर स्ट्राइक कर दिया था। तो बड़े लोगों की बातें बहुत मैटर करती हैं, अगर कुछ बोला है तो कुछ मतलब होता है। तो आपको खुद सोचना है कि व्हाट्सअप की हमें जो पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, आप सोच विचार लीजिएगा, क्योंकि सारा डाटा जाने वाला है फेसबुक के पास और फेसबुक कहाँ सर्कुलेट करेगा वो हमें भी नहीं पता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप व्हाट्सअप छोड़ रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, कंडीशन ये है कि आज की डेट में कोई भी एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है। आप जब भी किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपसे परमिशन ले लेता है कि आपका कॉन्टेक्ट्स पे चाहिए, फ़ोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, सारी चीज़ें पे परमिशन ले लेता है। आप हम खट से एग्री कर लेते, कोई भी सिक्योर नहीं है। अब बचने का उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको व्हाट्सअप यूज़ करना है तो आपका जो पेमेंट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं, उस मोबाइल में मत कीजिए। आपको दो मोबाइल रखनी पड़ेंगी, एक व्हाट्सअप के लिए और अपना पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए अलग रखनी पड़ेगी। जहां उनसे आपने लिंक किया मोबाइल से या फिर किसी भी चीज़ से उसमें आपने लिंक किया तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप अनसिक्योर हो सकते हैं। आप अपना दिमाग खुद लगाइए कि आप सिक्योर रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एग्री कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।